जिंदगी भाई पहली बार मैं बीच देखने वाला हूँ। इधर है समंदर और इधर है इधर के जो भी आसपास के बिल्डिंग्स हैं, मैं क्या बोलूँ समझ ही नहीं आ रहा है मुझे। सांप टाइप भी दिख रहा है कि पीस है। और मैं परसों पहुंच गया था अपने हॉस्टल, और अपने हॉस्टल से आज निकल रहा हूँ 2 दिन बाद। तो अभी सुबह का टाइम है, 7:30 लगभग बजा है, और मैं जा रहा हूँ बीच देखने, अंजुमा बीच। जिंदगी में पहली बार समुद्र देख रहा हूँ। तो बस निकल पड़ा हूँ, और ऐसा ऐसा रास्ता है भाई, मतलब इन रास्तों को देखने से आपको लगेगा नहीं कि ऐसा समुद्र के किनारे का रास्ता है। और नारियल पेड़ तो मतलब एकदम आम बात है हर जगह, मतलब सभी घर में, इधर उधर बाउंड्री वाल में, हर तरफ मतलब बहुत सारे नारियल के पेड़ हैं। ये आप देख सकते हैं हर तरफ ना, पूरा भाई नारियल ही नारियल है भाई। कोई सुनाओ ना मत दे हमारे घर के साइड का क्यों ले रहा है बोल के। और यहाँ रास्ते में भाई इतने सारे कुत्ते, ओ भाई एक पीछे से आ रहा है यार, उसे ना एकदम डर गया हूँ भाई पूरा। ये कुत्ते भी मुझे देख के डर रहे हैं, चमक उमक ना जाए भाई। चलो भाई डरते डरते थोड़ा डर आया। तो ये भाई पहला एक्सपीरियंस मेरा भाई, रास्ते में इतने सारे कुत्ते यार, 10-15 से ज़्यादा ही हैं, कोई काटा नहीं सुकर है, डर गया। चलो चलते हैं भाई। और यहाँ से दोस्तों हमें लेना है लेफ्ट टर्न, बस थोड़ा ही दूर और बच गया, और अब 300 मीटर बस और बच गया है। और यार रास्ते में ना ये देखें आप लोग, बहुत सारे मतलब ये सब लगा, ये सारा कुछ दुकान वगैरह होगा लग रहा है, मार्केट होगा, मतलब पूरा समुद्र के बीच किनारे यहाँ का लोकल मार्केट होगा। ये इतने सारे सभी अभी बंद है फिलहाल, अस्थाई हैं भाई, तिरपाल टीना वगैरह का बना है। और यार ये रास्ता देख के तो भाई मुझे लग नहीं रहा है कि मैं बीच के साइड जा रहा हूँ समुद्र के, मतलब जस्ट 300 मीटर बाद बीच आ जाएगा। और रास्ता एकदम मतलब गांव में है, ऐसा टाइप से कीचड़ वीचड़ पूरा पानी भरा है रोड में, लेफ्ट राइट जितना भी मतलब खाली जगह है ना उतना साफ सफाई नहीं है। अब साफ सफाई की क्या मतलब, बारिश का मौसम है तो पानी तो भाई हर जगह भरेगा, दुनिया के हर कोने में, जिधर बारिश हुआ पानी तो जाम हो गई है। देखें आप लोग ऐसा है भाई रास्ता पूरा, मतलब यहाँ तालाब ही बन गया है। इस साइड से धीरे से निकलना है आगे। तो मेरे मन में जो ख्याली पुलाव थे ना बीच में जाने का, तो वहाँ तक तो नहीं पहुँचा हूँ, लेकिन वहाँ तक पहुँचने का जो रास्ता है इसका भी मुझे अलग वो था, मतलब इमेजिनेशन कि मस्त पक्की रोड होगा, लेफ्ट और राइट दोनों नारियल का पेड़, बहुत सारा कुछ सिस्टमेटिक पहले रहा भी होगा। अब भाई इतना ज़्यादा यहाँ रस रहता है, इतना ज़्यादा क्राउड, तो एक दिन, 2 दिन, 1 साल, 2 साल, इतने सारे साल हमें हर हमेशा एक जैसे थोड़ी न रहेगा। यहाँ से दिखा तो यहीं से रहा है रिजॉर्ट, ये तो भाई कोई रिजॉर्ट है यार, मैं तो बीच साइड यहीं से शो कर रहा है। एक बार मैं जा के पूछ लूँ, क्योंकि ये पैदल रूट में मैं चेक कर रहा हूँ, और हो सकता है ये किसी का प्राइवेट प्रॉपर्टी हो तो मेन रास्ता उधर से हो, क्योंकि पैदल रूट में तो गूगल मैप कहीं से भी घुसा देता है भाई। तो ये है भाई पार्किंग एरिया यहाँ का, अब ये किसी की प्रॉपर्टी है प्राइवेट की क्या नहीं पता, अभी पूछा कि प्राइवेट प्रॉपर्टी थोड़ी है किसी का फिर, लेकिन जा सकते हैं ऐसा बोले। तो यहाँ से पीछे चलते हैं भाई बीच में, ये यहाँ का पार्किंग एरिया है, ये आप लोग देख सकते हैं इतने सारे भाई नारियल के पेड़।
ये पूरा स्कूटी वगैरह सारा कुछ लगा है, मतलब सुबह का टाइम है फिर भी बहुत लोग आए हुए हैं लग रहा है। और अपने ज़िंदगी में भाई पहली बार मैं बीच देखने वाला हूँ, इतने सारे जो नारियल के पेड़ हैं ना, ये देखने के बाद लगता है कि थोड़ा समुद्र वाला एरिया होगा। अब चलते हैं भाई, यहाँ से इधर जाऊँ कि उधर से जाऊँ, इधर नो एंट्री लिखा है, इधर ही से रास्ता होगा। ये है भाई बीच, आप आते हैं तो ऐसे ऐसे इधर गोवा में ये अंजुमा बीच ही है इस टाइप का। अरे बाप रे भाई, मैं यहीं से लग रहा है मुझे कि उधर जाऊंगा तो पानी के साथ उधर बहाना चाहूँ बोल के। ये यहाँ कोई रेस्टोरेंट वगैरह होगा। ओ भाई साहब, अपने 25-26 साल की जिंदगी में पहली बार मैं समुद्र देखने वाला हूँ। नीचे ही चलते हैं भाई, नहीं यार पहले ना ऊपर से देख लेता हूँ। तो ये है दोस्तों अंजुमा बीच। ओ भाई साहब, मैं क्या बोलूँ, समझ ही नहीं आ रहा है मुझे। बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है अभी, जितने मेरे आंखों के सामने दिखाई दे रहे हैं 50-100 लोग ही होंगे मुश्किल से, 50-70 लोग, बहुत ज़्यादा नहीं अभी। और पानी यार बहुत पास में है भाई, अभी पानी का लेवल ना बहुत बढ़ा हुआ है लग रहा है। ये देखो यहाँ तक है ये बीच साइड, ये बना है और भाई मुश्किल से ये ना 40 फीट भी नहीं है, 40 फीट भी नहीं है, यहाँ तक पूरा पानी आ रहा है अभी। ये है भाई एरिया यहाँ का। और अब चलते हैं नीचे, और मुझसे अब और रहा नहीं जा रहा है भाई, सीधा नीचे चलते हैं। ये यहाँ से यहाँ का रेत वगैरह एरिया स्टार्ट हो गया। ये भाई ऐसा है, ये आप देख सकते हैं। और बस यहाँ से ना 50 फीट भी डिस्टेंस नहीं है। अरे भाई ये कुत्ता फिर से यार, ये सब ना डराता है मुझे। और ये बस भाई थोड़ा इधर चलता हूँ यार अकेले में, आसपास में कोई भटकेंगे तो मेरा मतलब जो वो है ना एक्सप्रेशन, उसमें खलल पड़ सकता है। खतरनाक भाई खतरनाक, मैं सोचा नहीं था इसकी जो लहरें होती है वो इतना ज़्यादा आवाज़ करती होंगी भाई। यहीं से मुझे लग रहा है भाई उसके साथ मैं उधर बह के ना चले जाऊं बोल के, लेकिन पानी को तो टच करूंगा थोड़ा सा भी हो। चलिए और पास से आपको मैं फुटेज दिखाता हूं। भाई ये ना मैं एकदम पास से रिकॉर्ड कर रहा हूं और मुझे खतरनाक वाला डर लग रहा है। ये दे आ गया मेरे पैर के पास में एकदम। अब फिर से आ रहा है बड़ा वाला लहर, अब पास में आएगा फिर से। ये आ गया। ओ भाई पैर के नीचे से भाई रेत सरकता है तो ऐसा लग रहा है नीचे घुस रहा हूँ टाइप से। भाई एकदम खतरनाक से आया यार, मैं पूरा डर गया। और जैसे पानी आ रहा है ना नीचे से करीबन मतलब आधा फीट भाई रेत को ना पूरा वो निकाल देता है, नीचे घुस नीचे धस जा रहा हूँ टाइप से लगता है। तो यार एकदम अल्टीमेट भाई, काफ़ी मज़ा आ रहा है मुझे। इधर बहुत लोग नहा रहे हैं, अपना फ़ोटो भाई वीडियो वगैरह सारा कुछ इन्जॉय कर रहे हैं। भाई ऊपर चले जाता हूँ और इधर भी काफ़ी लोग अपना इन्जॉय कर रहे हैं। और इन लोग यार ये भाई लोग यहाँ पे नहा रहे थे, मैं इनके हाथ में ये चीज़ देखा भाई, लग रहे ये समुद्र से ही आए ना। तो ये भाई यहीं से मिला, ये फिश है कुया, सांप टाइप भी दिख रहा है कि फिश है। तो ये भाई लोग नहा रहे थे यहाँ, तो इनके हाथ में मैं देखा तो ये आ गया। आप लोग कहाँ से हैं वैसे? बेंगलोर। अच्छा
और सभी कोई भाई फुल इंजॉय कर रहे हैं हर तरफ। भाई अरे यार पूरा पेंट में आ गया, मतलब ज़्यादा होशियारी ठीक नहीं है। तो दोस्तों गोवा का अंजुमा बीच और इधर है समंदर और इधर है इधर के जो भी आसपास के बिल्डिंग्स हैं और भाई खतरनाक लहरें आ रही है और भाई समंदर का व्यू देखने के लिए इधर मतलब ना गजब की व्यवस्था है। ये प्राइवेट प्रॉपर्टी होगी, अच्छा खासा महंगा होगा भाई। इधर पूरा चेयर वगैरह लगा है, आप यहाँ नीचे से भी देख सकते हैं, ऊपर भी पूरा खुला में फुल व्यवस्था। चिल करने आइए आप गोवा में, हालांकि आपका बजट ज़्यादा रहेगा, मेरा बजट ना के बराबर है। से भाई पेंट गीला, ओ भाई साहब, अरे यार। और मैं क्या बोल रहा हूँ, कितना बोल रहा हूँ, मुझे खुद को कुछ आइडिया नहीं है भाई, क्योंकि अभी मैं एकदम से पागल हूँ ना ये देख के। और बहुत दूर तक है यार, वो है एक छोटा सा पहाड़ी दिखाई दे रहा है, वहाँ से इधर भी एक पहाड़ी है, मतलब अभी यहाँ से आंखों से ही दिख पा रहा है। ये लगभग 2 किलोमीटर होगा मेरे ख्याल से यहाँ से, नहीं नहीं यार तीन किलोमीटर होगा, 3-4 किलोमीटर होगा भाई, शायद उससे ज़्यादा ही हो। और इधर से केरला से बहुत लोग भाई आए हैं अपना ट्रेवलिंग करने हैं, तो उनसे मैं मिला, उनसे बात कर रहा था कि का केरला जाने का बेस्ट टाइम कौन सा है, तो ये भाई पूरा ये भाई लोग हैं और ये लोग आज ही पहुंचे हैं। आप लोगों का कितने दिन का प्लान है गोवा? 3 दिन का। 3 दिन का। अरे आप लोग यहाँ पहले भी आ चुके हैं कि फर्स्ट टाइम है? फर्स्ट टाइम, मेरा भी फर्स्ट टाइम। चलो एंजॉय करना आप लोग, चलो बढ़िया भाई लोग। तो ये केरला से भाई लोग हैं, क्या कुछ पूछ रहे हैं? सफर विद पूरी, और दोस्तों यहाँ से मैं नीचे उतरा था, इधर से आया था, उधर आगे गया था कुछ 100-200 मीटर आगे, और अब चलते हैं इधर। ये चट्टान के साइड में बहुत लोग ना फिशिंग कर रहे हैं वो लोग, ये क्या लिखा है भाई कोई, तो ये इधर चट्टान है, इधर कुछ लोग मछली वछली फंसा रहे हैं भाई, तो इधर ना पास में जाके देखते हैं ये चीज़ को। चट्टान बहुत कड़ा है, इसी को कोरल बोलते हैं क्या यार? अरे नहीं नहीं भाई, इधर से मुझे जाना चाहिए, वो अपने साथ खींच लेगा तो फिर मैं तो गया। चलिए चलते हैं उधर पास में, ऐसा ऐसा है, इधर से टूट गया तो फिर तो गया भाई। खैर नहीं टूटेगा यार, इतना भी कमज़ोर नहीं रहता होगा। तो ये है भाई यहाँ किनारे का चट्टान और कुछ लोग कर रहे हैं यहाँ पे फिशिंग, और अभी आया धूप तो आएगा फुटेज में मस्त। अरे यार ये धूप फिर से जा रहा है, अब साला भी गा देगा ये तो। मैं क्या इतना, मुझे 1 घंटे से ज़्यादा हो गया यहाँ पे, और उधर चलते हैं भाई, इसमें से सब में से पानी निकलता है यार, उधर से आएगा पानी लहर, वो आ रहे ना देखना, अभी आया बड़ा लहर, अभी आया, अब आएगा 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 से यार ये मेरे कैमरे की वाट लगा देगा ये। चलते हैं भाई, बहुत ज़्यादा एडवेंचर हो जा रहा है इधर। अरे बाप,
तो चलो फिर अब मैं भी निकलता हूँ यहाँ से, काफ़ी टाइम हो गया यार, 1.5 घंटा हो गया। और यहाँ तो जब मन करे तब मैं आ सकता हूँ, हॉस्टल से 2.5 किलोमीटर बस है, तो बहुत ज़्यादा टाइम बर्बाद अभी नहीं करता, मैं यहाँ पे निकलता हूँ और आगे 1 महीने का तो फिक्स है यहाँ रहना, तो जब भी मन करे आ जाया करूँगा, सुबह हो शाम हो, शाम को तो खैर टाइम नहीं मिलेगा। और अभी हॉस्टल बहुत मतलब पूरा क्राउड हो जाएगा, बहुत भीड़ हो जाएगा, अभी सीज़न अभी स्टार्ट हो गया है तो ज़्यादा टाइम भी नहीं मिलेगा, लेकिन कभी भी मन करे मैं आ सकता हूँ। तो चले फिर इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो यहाँ से गया था भाई मैं अंदर बीच साइड, ये यहाँ का पार्किंग एरिया है ऐसा, यहाँ का आसपास का जो भी दिखाई दे रहा है ये इस टाइप का। तो इधर भी बहुत सारे हैं नारियल के पेड़, और ये इस रास्ते से मैं आया था, छोटा छोटा गली है, और इधर से मैं आ रहा हूँ ये वाला रास्ता, और ये आगे देख रहे हो ना, ऐसे रास्ते से मैं गया था भाई बीच साइड में। अब पैदल रास्ते में देखा मैप में तो इस टाइप का रास्ता है, मतलब एकदम कल्पना से परे जंगल में आ गया हूँ टाइप से लग रहे हैं। वैसे आपको ऐसा ज़्यादा घना दिखाई दे रहा होगा, लेकिन आसपास बिल्डिंग वगैरह है तो डरने वाली तो कोई बात है नहीं।